जिसका चाहे राज बदल दे। तू दाता है मतदाता है, तू केवल राजा बदलेगा, तेरे हाथ में राज नहीं है। तू दाता है मतदाता है। दोस्तों, अपना हिंदुस्तान त्योहारों का हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है तो वो है लोकतंत्र का त्यौहार। बेशक होली हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं मनाई जाती, लेकिन ये जो चुनाव का महासमर आता है तो पूरा देश एक त्यौहार के मूड में आ जाता है और पूरा देश त्यौहार मनाता है। इस त्यौहार में कौन सबसे ज़्यादा खुश होता है और उसे क्या मिलता है, ये सोचने वाली बात है। हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी इस त्यौहार में, लोकतंत्र के त्यौहार में, चुनाव में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के परिणामों के बाद उसके हिस्से में क्या आता है, इसी परिप्रेक्ष्य पे मैंने एक कविता लिखी जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रोटी खातिर तेरे घर अनाज नहीं है, रोटी खातिर तेरे घर अनाज नहीं है, फिर भी तू नाराज नहीं है। तू दाता है मतदाता है। कर्ज के बोझ से झुके हुए कंधों पे लटकी तेरी बाहें, हाथ उठाकर राह देखती लेने वाला कब आएगा। इन हाथों में छुपी हुई अद्भुत सी शक्ति, तो उनको कब दे पाएगा। देने की इतनी जल्दी है, तू दाता है मतदाता है। अधे पौवे चंद रुपये में आखिर क्यों बिक जाता है। तू दाता है मतदाता है। तू तो बेअंदाज नहीं है, तू तो बेअंदाज नहीं है, राजनीति के छल छंदों का तुझे पता है एक गरीबी। तू तो बेअंदाज नहीं है, राजनीति के छल छंदों का तुझे पता है, लेकिन एक गरीबी तेरी बड़ी खता है। सोच सोच समझ नाकाबंदी कर, सबको मत दे दो अपने वोट, सबको मत बांटो, रोको अपने को। तू बेअंदाज नहीं है, सारी चीजें जानता है, तू तो बेअंदाज नहीं है। सोच समझ नाकाबंदी कर, थोड़ा रोब रुआब में आकर देने की इतनी क्या जल्दी, थोड़ी अपनी मर्जी भी कर। तू दाता है मतदाता है। तू जो चाहे आज बदल दे, जिसका चाहे राज बदल दे। तू दाता है मतदाता है। तू केवल राजा बदलेगा, तेरे हाथ में राज नहीं है। तू दाता है मतदाता है। नमस्कार।